Hello everyone, welcome back to another video. Today I am going to tell about Raksha Bandhan special dress for your little siblings. Boys dress बनाई है 8 to 9 year के लिए और girls dress बनाई है 5 to 6 year के लिए. अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी ड्रेसेज आप लोगों को इस चैनल पे सीखने को मिलती रहती हैं. तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट. दोनों ड्रेस बनाने के लिए लिया है 2.5 मीटर लाइनिंग रेयन फैब्रिक, 2 मीटर वाइट कॉटन फैब्रिक. सबसे पहले हम बनाएंगे बॉयज कुर्ता. ये टू पीस हैं बॉयज कुर्ते के लिए, जिनकी लेंथ है 28 इंचेस, विड्थ है 19 इंचेस. कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे. मार्क करेंगे 1 इंचेस बैक पार्ट के लिए. ऊपर से बैक पार्ट की लेंथ ज़्यादा रखेंगे फ्रंट पार्ट से. इसके बाद मार्क करेंगे शोल्डर. शोल्डर लेंगे 7 इंचेस, आर्म होल लेंगे 7.5 इंचेस. अभी मार्क करेंगे चेस्ट. चेस्ट लेंगे 8.5 इंचेस. अभी आर्म होल से नीचे की तरफ मार्क करेंगे 10 इंचेस. नेक विड्थ मार्क करेंगे 2.5 इंचेस. बैक नेक डेप्थ मार्क करेंगे 1 इंचेस. फ्रंट नेक डेप्थ मार्क करेंगे 3 इंचेस. नेक को गोलाई में मार्क करेंगे. आर्म होल को भी गोलाई में मार्क करेंगे. साइड से भी हल्का सा गोलाई में मार्क करेंगे. अभी जो कपड़ा मार्क किया है उसको कट करेंगे. अभी एक पीस को रखेंगे बैक पार्ट के लिए. ये फ्रंट पार्ट है, अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे. नेक को कट करेंगे, फिर शोल्डर से जो मार्क किया है उसको कट करेंगे. अभी सेंटर में मार्क करेंगे 7 इंचेस और 7 इंचेस तक सेंटर में कट लगाएंगे. ये कट ब्लैंकेट के लिए लगाया है. ये टू पीस हैं स्लीव्स के लिए, जिनकी विड्थ है 11 इंचेस, लेंथ है 20 इंचेस. कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे. मार्क करेंगे 17 इंचेस, फिर मार्क करेंगे 4.5 इंचेस, फिर दोनों मार्क को मिलाएंगे. अभी स्लीव को शेप देंगे. इसके बाद जो मार्क किया उस कपड़े को कट करेंगे. अभी कुर्ते की कटिंग हो गई है कंप्लीट. कुर्ते को स्टिच करेंगे, उसके लिए फ्रंट पार्ट लेंगे. फ्रंट पार्ट के लिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक भी कट किया है. अगर आप लाइनिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है. अभी ऊपर से दोनों जो फैब्रिक हैं उनको अटैच करना है. अभी ब्लैंकेट बनाने के लिए दो स्ट्रप लेंगे, जिनकी विड्थ है 3 इंचेस, लेंथ है 9.5 इंचेस. अभी दोनों स्ट्रप को रॉन्ग साइड में अटैच करेंगे. दोनों स्टॉप को अटैच करने के बाद सीधी साइड टर्न करेंगे, फोल्ड करेंगे, फिर लेस लेंगे. लेस को नीचे अटैच करेंगे. ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करेंगे. एक्स्ट्रा जो लेस है उसको भी कट करेंगे. अभी दूसरी साइड भी इसी तरीके से ही सीधी साइड टर्न करेंगे, फोल्ड करेंगे, फिर लेस लेंगे.
लेस को नीचे अटैच करेंगे। जो कट था वहाँ तक स्टिच करने के बाद जो ब्लैंकेट है उनको ओवरलैप करेंगे, फिर ओवरलैप से स्टिच लगाएंगे। अभी जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे, फिर नीचे से ट्रायंगुलर शेप में कपड़े को फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर से अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा लेस को कट करेंगे। अभी ब्लैंकेट के अराउंड दो बार लेस को अटैच करेंगे। अभी बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट के लिए भी मैंने लाइनिंग फैब्रिक को कट किया है। दोनों पार्ट को शोल्डर से अटैच करेंगे। अभी एक एक स्टिच ऊपर से भी लगाएंगे। अभी स्लीव को लेंगे, स्लीव के बॉर्डर पर स्टिच करेंगे। स्लीव को अटैच करेंगे। अभी एक स्टिच ऊपर से भी लगाएंगे। सेम इसी तरीके से ही दूसरी स्लीव को भी स्टिच करेंगे, फिर अटैच करेंगे। अभी स्लीव को और दोनों पार्ट को साइड से अटैच करेंगे। सीधी साइड टर्न करेंगे। अभी बॉर्डर को स्टिच करेंगे। सेम इसी तरीके से ही बैक पार्ट के बॉर्डर को भी स्टिच करेंगे। अभी दोनों साइड से स्टिच करेंगे।
इसी तरीके से दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे। अभी कॉलर की लेंथ को मेजर करेंगे। कॉलर की लेंथ है 8 इंचेस। ये 2 पीस हैं कॉलर के लिए, जिनकी विड्थ है 3 इंचेस, लेंथ है 18 इंचेस। कपड़े को 2 बार फोल्ड करेंगे, मार्क करेंगे 8.5 इंचेस। अभी जो फोल्डेड साइड है वहाँ से गोलाई में मार्क करेंगे। अभी जो कपड़ा मार्क किया है उसको कट करेंगे। अभी दोनों साइड से स्टिच करेंगे। सीधी साइड टर्न करेंगे। सीधी साइड टर्न करने के बाद कॉलर को अटैच करेंगे। अभी कॉलर को दूसरी साइड से अटैच करेंगे। अभी बटन होल्स बनाएंगे और बटन अटैच करेंगे। इसके बाद कुर्ते को प्रेस करेंगे। अभी हम बनाएंगे बॉयज पजामा। ये 2 पीस हैं पजामा के लिए, जिनकी विड्थ है 20 इंचेस, लेंथ है 35 इंचेस। कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे। इलास्टिक के लिए ऊपर से मार्क करेंगे 1.5 इंच 1.5 इंच। अभी मार्क करेंगे क्रोच लेंथ। क्रोच लेंथ लेंगे 11.5 इंचेस, विड्थ लेंगे 1.5 इंचेस। मोहरी मार्क करेंगे 7 इंचेस। मोहरी के लिए जो मार्क लगाया है उसको क्रोच लेंथ से मिलाएंगे। क्रोच लेंथ को गोलाई में शेप देंगे। फिर जो कपड़ा मार्क किया है उसको कट करेंगे। अभी दोनों पार्ट को क्रोच लेंथ से अटैच करेंगे। साइड से स्टिच करेंगे। अभी बॉर्डर से कपड़े को फोल्ड करेंगे, फिर स्टिच करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे। इसके बाद सीधी साइड टर्न करेंगे। अभी इलास्टिक लेंगे, जिसकी लेंथ है 22 इंचेस। इलास्टिक के दोनों सिरों को अटैच करेंगे। अभी इलास्टिक को कपड़े के अंदर रखेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई जो है इलास्टिक पे ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कपड़े को फोल्ड करना है, इलास्टिक को स्ट्रेच करना है और सिलाई लगानी है। बॉयज पजामा की स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट। पजामे को प्रेस करेंगे। इसके बाद बनाएंगे बेबी गर्ल कुर्ता। ये 2 पीस हैं टॉप पार्ट के लिए, जिनकी विड्थ है 14 इंचेस, लेंथ है 10 इंचेस। कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे।
उसके बाद मार्क करेंगे शोल्डर, शोल्डर लेंगे 5 इंचेस, आर्म होल लेंगे 5.5 इंचेस। अभी मार्क करेंगे चेस्ट, चेस्ट लेंगे 7 इंचेस, वेस्ट लेंगे 6.5 इंचेस, चेस्ट और वेस्ट के मार्क को मिलाएंगे। नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंचेस, बैक नेक डेप्थ लेंगे 1 इंचेस, फ्रंट नेक डेप्थ लेंगे 4 इंचेस। फिर नेक को गोलाई में मार्क करेंगे, आर्म होल को भी गोलाई में मार्क करेंगे। फिर जो मार्क किया कपड़े को कट करेंगे। शोल्डर से थोड़ा कपड़ा डायगोनली कट करेंगे। अभी एक पीस लेंगे बैक पार्ट के लिए, फ्रंट पार्ट के नेक को कट करेंगे। ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट के सेंटर में मार्क लगाएंगे 3 इंचेस, फिर 3 इंचेस तक कट करेंगे हुक के लिए। ये 2 पीस हैं स्लीव्स के लिए, जिनकी लेंथ है 16 इंचेस, विड्थ है 10 इंचेस। कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे, मार्क करेंगे 13 इंचेस, फिर मार्क करेंगे 4 इंचेस, फिर दोनों मार्क को मिलाएंगे। अभी स्लीव को शेप देंगे, इसके बाद जो मार्क किया उस कपड़े को कट करेंगे। ये सिंगल पीस है बॉटम पार्ट के लिए, जिसकी लेंथ है 18 इंचेस, विड्थ है 29 इंचेस, मतलब 29 इंचेस। ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के लिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक को कट किया है। ये सिंगल पीस है फ्रंट पार्ट के लिए, जिसकी विड्थ है 9 इंचेस, लेंथ है 8 इंचेस। अभी हम इस कपड़े पे लेस को अटैच करेंगे। लेस को डायगोनली अटैच करेंगे कॉर्नर से। इंचेस गैप से लेस को अटैच करेंगे। दूसरी साइड में भी लेस को डायगोनली अटैच करेंगे 1.5 इंचेस गैप से। अभी फ्रंट पार्ट के दोनों पीस को अटैच करेंगे। अभी फ्रंट पार्ट को फोल्ड करेंगे और जिस कपड़े पर लेस अटैच की थी उसके ऊपर रखेंगे। फिर नेक को कट करेंगे। कॉर्नर से गोलाई में कट करेंगे। अभी वाइट लेस को बॉर्डर के साथ अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट को रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे। फिर नेक के लिए जो कपड़ा रेडी किया है उसको रॉन्ग साइड में अटैच करेंगे। अभी छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। जो कपड़ा नेक के साथ अटैच किया है उसको सीधी साइड टर्न करेंगे, फिर ऊपर से अटैच करेंगे। अभी बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट के लिए भी मैंने लाइनिंग फैब्रिक को कट किया है। बैक पार्ट के दोनों पीस को नेक से अटैच करेंगे।
छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अभी सीधी साइड टर्न करेंगे। अभी ऊपर से एक स्टिच लगाएंगे। दोनों पार्ट को शोल्डर से अटैच करेंगे। अभी स्लीव लेंगे, स्लीव के बॉर्डर को स्टिच करेंगे। अभी लेस को अटैच करेंगे। लेस को 4 times अटैच करेंगे। अभी स्लीव को अटैच करेंगे। इसी तरीके से ही दूसरी स्लीव को भी स्टिच करेंगे और अटैच करेंगे। अभी स्लीव को दोनों पार्ट को साइड से अटैच करेंगे। दोनों साइड अटैच करने के बाद सीधी साइड टर्न करेंगे। अभी टॉप पार्ट की स्टिचिंग हो गई कंप्लीट। बॉटम पार्ट को लेंगे, बॉटम पार्ट का जो बॉर्डर है उसको स्टिच करेंगे। बॉटम पार्ट पे भी लेस को अटैच करेंगे। मैं लेस को हल्का सा डायगोनली अटैच कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अभी बॉटम पार्ट के बॉर्डर पर व्हाइट लेस को अटैच करेंगे। अभी बॉटम पार्ट भी हो गया है रेडी। फ्रंट पार्ट के सेंटर में मार्क करेंगे। टॉप और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे फ्रंट सेंटर से। बैक पार्ट का कपड़ा 3 या 4 inch ज्यादा है, उसके लिए बैक सेंटर में छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। अभी एक ओवरलॉक स्टिच और लगाएंगे। अभी कुर्ते की स्टिचिंग हो गई कंप्लीट। सीधी साइड टर्न करेंगे, फिर प्रेस करेंगे। इसके बाद बनाएंगे बेबी सरारा। ये 2 pieces हैं टॉप पार्ट के लिए, जिनकी विड्थ है 18 inches, लेंथ है 14 inches।
कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे, इसके बाद मार्क करेंगे क्रोच लेंथ। क्रोच लेंथ लेंगे 10 इंचीज, विड्थ लेंगे 1.5 इंचीज। बॉटम या मोहरी मार्क करेंगे 8 इंचीज। क्रोच लेंथ को गोलाई में शेप देंगे, इसके बाद जो कपड़ा मार्क किया उसको कट करेंगे। ये 2 पीस हैं बॉटम पार्ट के लिए, जिनकी लेंथ है 15 इंचीज, विड्थ है 46 इंचीज। एक पीस को लेंगे और छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे या फिर कपड़े को गैदर करेंगे। अभी टॉप पार्ट के एक पीस को लेंगे, टॉप और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। अभी लेस को अटैच करेंगे टॉप पार्ट पर। अभी बॉर्डर को स्टिच करेंगे। व्हाइट लेस को बॉर्डर पर अटैच करेंगे। अभी सिल्वर लेस को अटैच करेंगे 1.5 इंच गैप से। सिल्वर लेस को मैंने 2 बार अटैच किया है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से सेकंड पार्ट को भी स्टिच करेंगे। अभी दोनों पार्ट को क्रोच लेंथ से अटैच करेंगे। अभी साइड से स्टिच करेंगे। साइड से स्टिच करने के बाद सीधी साइड टर्न करेंगे। अभी इलास्टिक लेंगे, जिसकी लेंथ है 17 इंचेस। इलास्टिक के दोनों सिरों को अटैच करेंगे। इलास्टिक को कपड़े के अंदर रखेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। सिलाई इलास्टिक पे ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इलास्टिक को स्ट्रेच करना है, कपड़े को फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। आज की ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो में कुछ सीखा तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।